हेलो बच्चों, आज हम अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के भाग दो पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जलमंडल पे, महासागर पे, वायुमंडल पे तथा जैवमंडल पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं जलमंडल से। बच्चों, क्या आपको पता है पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पे उपलब्ध पानी का 97% भाग खारे पानी के रूप में सागरों और महासागरों में है। बचे हुए 2% पानी में से अधिकांश भाग जो है बर्फ के रूप में, ग्लेशियर और आइसबर्ग में है। और बच्चों, सिर्फ पृथ्वी पे उपलब्ध पानी का 1% से कम हिस्सा मनुष्य के उपभोग के लिए बचता है। तो आप समझ सकते हो कि पृथ्वी पे पानी की कितनी समस्या है। बच्चों, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहने के बावजूद भी हम हमेशा पानी की समस्याओं से जूझते रहते हैं। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे महासागर पे। बच्चों, महासागर जो है जलमंडल का मुख्य भाग है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और महासागरों का जल हमेशा गति में रहता है। और बच्चों, महासागर की जल की 3 मुख्य गतियां हैं, तरंग, ज्वारभाटा और महासागरीय जलधारा। बच्चों, दुनिया में 5 प्रमुख महासागर हैं। पहला दक्षिणी महासागर अर्थात साउदर्न ओशन, दूसरा आर्टिक महासागर अर्थात आर्टिक ओशन, तीसरा हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशन, चौथा अटलांटिक महासागर अर्थात अटलांटिक ओशन और पांचवा प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सभी महासागरों को एक-एक करके देखते हैं। तो बच्चों, अपनी चर्चा को महासागर पे जारी रखते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन की। बच्चों, यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है और यह वृत्ताकार शेप में है, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। बच्चों, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलके प्रशांत महासागर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। बच्चों, दुनिया का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा महासागर पे जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। बच्चों, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार जो है इस अक्षर की तरह दिखता है। बच्चों, इस महासागर के पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर व्यावसायिक दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा महासागर पे जारी रखते हुए अब हम बात करेंगे हिंद महासागर की। बच्चे, हिंद महासागर जो है वो इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पे पड़ा। इसको इंग्लिश में इंडियन ओशन कहते हैं, अर्थात ये इंडिया के नाम पे पड़ा है। बच्चों, ये महासागर जो है त्रिभुज का आकार का होता है और इस महासागर के पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और अपनी चर्चा महासागर पे जारी रखते हुए अब हम आर्कटिक महासागर पे चर्चा करेंगे। बच्चों, ये महासागर आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। बच्चों, यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संधि का काम करने वाले एक छिछले जल वाला संकरा मार्ग है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा महासागर पे जारी रखते हुए अब हम दक्षिणी महासागर पे चर्चा करेंगे। बच्चों, यह महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर है और यह उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे वायुमंडल पे। बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से गैस की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। बच्चों, वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है एवं सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें जैसे पराबैंगनी किरणों से भी हमें बचाता है। बच्चों, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पे 5 परतों में बांटा जाता है। पहला क्षोभ मंडल, जो कि 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा संताप मंडल, जो कि 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तीसरा मध्य मंडल, जो कि 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चौथा अयान मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। बच्चों, ऊंचाई बदलने के साथ साथ वायुमंडल का जो घनत्व है वो भी बदलता है और समुद्र तल पे हवा का घनत्व सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का जो घनत्व है वो घटता जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वायुमंडल पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन से गैस कितने प्रतिशत हैं। तो बच्चों, 100% में से 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस 20.9% या कहें तो 21% होती है। बाकी बचे जो और प्रतिशत है अर्थात 1%, उसमें आपके मुख्य आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इत्यादि आते हैं। बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की भूमिका की। तो बच्चों, नाइट्रोजन गैस जो है वो प्राणियों के वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। और अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की भूमिका की। तो बच्चों, सजीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी भी चीज के दहन करने के लिए भी ऑक्सीजन अनिवार्य है। बात अगर हम करें कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका की, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस, जो उनका खाना बनाने का प्रक्रिया है, उसके लिए करते हैं। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करके पृथ्वी पे समुचित तापमान बनाए रखने में मदद करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे जैव मंडल पे। बच्चों, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के सीमित भाग जहां जीवन मौजूद है उसे हम जीव मंडल कहते हैं। अगर जीव मंडल को हम बांटे तो मोटे तौर पे ये दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम और दूसरा पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम। बच्चों, पृथ्वी के ये तीनों मंडल हैं, ये आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा
एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अतः स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जलमंडल, महासागर, वायुमंडल तथा जैवमंडल पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।